हैदराबाद में पैगंबर पर विवादित बयान देने वाले भाजपा विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया है। योगी सरकार अब शराब माफियाओं पर एक्शन लेगी। सुप्रीम कोर्ट में आज दो बड़े मुद्दों पर सुनवाई हुई है। क्या है वो मुद्दे और अब तक की बड़ी खबरें क्या हैं, बताएंगे आगे बुलेटिन में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। अब बात करते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली बिहार सरकार को विवादों से राहत नहीं मिल रही है। अब उनके मंत्री इसराइल मंसूरी गया के विष्णुपद मंदिर में दाखिल होकर परेशानियों में आ गए हैं। कहा जा रहा है कि प्रवेश वर्जित होने के बाद भी उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया। खास बात यह है कि मंदिर के द्वार पर लिखा हुआ है अहिंदू प्रवेश निषेध। अब मंसूरी तो इसे अपना सौभाग्य बता रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और सोशल मीडिया यूजर्स नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। हैदराबाद में मंगलवार को पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले भाजपा विधायक टी राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। गोशा महल से विधायक राजा सिंह ने एक वीडियो जारी कर पैगंबर मोहम्मद के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था। बाद में उन्होंने इसे मजाक बताया था। बयान के बाद बड़ी संख्या में लोग उनके विरोध में सड़कों पर उतर आए। सोमवार देर रात से हैदराबाद में जगह जगह प्रदर्शन होने शुरू हो गए। भीड़ ने गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सिर तन से जुदा के नारे लगाते हुए टी राजा की गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने टी राजा सिंह के बयान की तुलना पूर्व भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान से की। टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का गोवा में हार्ट अटैक से निधन हो गया है। उनके भाई बतन ढाका ने इसकी पुष्टि की। सोनाली के निधन की सूचना मिलते ही उनका परिवार गोवा के लिए रवाना हो गया है। बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें हरियाणा स्थित हिसार जिले की आदमपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था, हालांकि वे ये चुनाव हार गई थी। बीजेपी की हरियाणा इकाई में उन्हें महिला मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। सोनाली ने छोटे पर्दे के कई धारावाहिकों में काम किया है। सोनाली फोगाट ने सोमवार रात ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया था। बता दें, टिकटॉक समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फेमस रही सोनाली ने रियलिटी शो बिग बॉस के 14वें संस्करण में हिस्सा लिया था। सोनाली फोगाट के निधन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शोक व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निशाने पर अब नशे का कारोबार करने वाले आ गए हैं। अवैध संपत्ति इकट्ठा करने वालों, दंगाइयों के ठिकानों पर बुलडोजर कार्रवाई करने वाली सरकार अब नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ एक्शन लेगी। ड्रग माफिया भी अब दंगाइयों, अवैध संपत्ति इकट्ठा करने वालों की श्रेणी में ले लिए गए हैं। योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। एक्शन में उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। साथ ही दंगाइयों की तरह अब शराब माफियाओं के भी सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर लगाए जाएंगे। दरअसल अवैध शराब के कारोबार में लिप्त लोगों पर योगी सरकार एक्शन लेने की तैयारी में जुट गई है। साथ ही अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वालों पर भी योगी सरकार कार्रवाई करेगी। बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध शराब और ड्रग्स के खिलाफ चल रहे अभियान की समीक्षा की है। उन्होंने इस दौरान कहा है कि इसको बढ़ावा देने वाले सभी लोग राष्ट्रीय अपराधी हैं और उन्हें हर हाल में दंडित होना चाहिए। नई शराब नीति के खिलाफ दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से सीबीआई की जांच की सिफारिश और उसके बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर समेत कई राज्यों में सीबीआई की छापेमारी के बाद अब लगातार बयानबाजी तेज होती नजर आ रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर आरोप लगाया और कहा, विधायकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तोड़ने के लिए 5-5 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि लगातार दूसरी बार ऑपरेशन लोटस फेल कर दिया गया है। राजनीतिक पार्टियों के मुफ्त वादों के खिलाफ लगे याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी मंगलवार को सुनवाई की। याचिका में कहा गया कि इन वादों पर रोक लगाई जाए। वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने अदालत से कहा कि मुफ्त वादों के चलते देश दिवालिया होने की स्थिति में आ जाएगा। इस पर सीजीआई रमना ने जवाब दिया, मान लीजिए मैं वादा करूं कि चुनाव जीतने पर लोगों को सिंगापुर भेज दूंगा। अब चुनाव आयोग किसी को वादा करने से कैसे रोक सकता है? सीजीआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह मुद्दा समाज और अर्थव्यवस्था की भलाई के लिए उठाया है। अदालत ने याचिका से जुड़े सभी पक्षों को एक बात याद दिलाई कि सभी पार्टियां, भले ही भाजपा हो या कोई और, मुफ्त घोषणाओं के पक्ष में है। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर अगली सुनवाई अब बुधवार को होगी। एशिया कप से पहले टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिसके बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। एशिया कप इसी महीने के 27 अगस्त से शुरू होने जा रहे हैं। भारत का पहला मुकाबला 28 अगस्त को पाकिस्तान से होना है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बेनामी लेन देन अधिनियम को लेकर बड़ा फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बेनामी लेन देन अधिनियम 1988 की धारा 3(2) असंवैधानिक है। ये धारा मनमानी है। इसके साथ ही बेनामी संपत्ति के लिए 3 साल की सजा का कानून निरस्त हो गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि संपत्ति जब्त करने का अधिकार पिछली तारीख से लागू नहीं होगा।
पुराने मामलों में 2016 के कानून के तहत कार्रवाई नहीं होगी। बेनामी लेन देन अधिनियम की धारा 3(2) में कहा गया है कि जो कोई भी बेनामी लेन देन में शामिल है उसे 3 साल तक की कैद सजा, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की एक पीठ ने यह फैसला सुनाया। कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने एक याचिका दाखिल की थी। पीठ ने कहा है कि 1988 के एक्ट के अनुसार 2016 में लाए गए अधिनियम के सेक्शन 3(2) को भी असंवैधानिक करार दिया गया है क्योंकि यह संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन करता है। अमेरिका में मंकीपॉक्स वायरस से कोहराम मचा हुआ है। देश के सभी 50 राज्यों में वायरस फैल गया है। अमेरिका में हाल में मंकीपॉक्स वायरस के मामले किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा बताए जा रहे हैं। अमेरिका में मंकीपॉक्स वायरस का पहला मामला 19 मई 2022 को मैसाचुसेट्स के बोस्टन में सामने आया था। अफ्रीकी महाद्वीप के बाद अमेरिका चौथा ऐसा देश है जहां 2022 में मंकीपॉक्स वायरस लगातार बना हुआ है। WHO ने मंकीपॉक्स को 4 अगस्त को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया था। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए द लीडर हिंदी के साथ। हमारी ऐप द लीडर हिंदी को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।